अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अक्खा मसूर की बिरयानी। आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। सबसे पहले डेगची में मैंने तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी 2-3 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े और 3-4 लौंग, 10-12 काली मिर्च। अभी मैं इसमें डालूंगी 3 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम लाल कर लेंगे। प्याज लाल हो चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी 3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालूंगी मैं टमाटर बारीक कटे हुए 4 और इसको अच्छे से मसाले को मैं भून लूंगी। मसाला भूनकर हो चुका है। अभी मैं इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालूंगी, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ा सा पुदीना। मसाले को अब हम अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें डालूंगी आलू। मैंने 3 आलू ली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी अक्खा मसूर। ये मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगा कर रखी थी। इसको मैंने 1/2 किलो ली हूँ। अभी इसमें मैं डालूंगी 1 वाटी दही। अभी इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से। अभी मैं इसमें ढक्कन ढककर आलू उबलने तक के इसे पकाऊंगी। चावल पकने के लिए मैंने एक टोप में पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए। उसमें मैं डालूंगी 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग और 2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी पुदीना और पानी उबाल आने तक के मैं पकाऊंगी। पानी में उबाल आ चुका है। ये मैंने अवाड़ा कोलम चावल ली हूँ 1/2 किलो। आप चाहे तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। चावल को मैं पानी में डाल दूंगी। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से। अभी हम इसे 1 कनी कच्चे रहने तक के चावल को पकाएंगे। ये देखिए चावल हमारे पक चुके हैं, सिर्फ 1 कनी ही बाकी है। अभी मैं इसे छन्नी में छान लूंगी। चावल देखिए हमारे छान कर हो चुके हैं। देखिए हमारे मसाले में भी आलू और दाल दोनों ही गल चुकी है। अभी मैं इसमें डालूंगी चावल। मैंने 1/2 चम्मच पीला कलर दूध में घोल कर रखी हूँ। अभी मैं इसमें डाल दूंगी। ऑरेंज कलर का भी मैंने दूध में घोल कर रखी हूँ, ये भी डाल दूंगी। अभी ऊपर मैं बिरिस्ता डालूंगी। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी कोथमीर डालूंगी। इसको अभी मैं ढक्कन ढककर 10 मिनट तक के बारीक गैस पे दम लगाऊंगी। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बिरयानी भी हमारी दम हो चुकी है। अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह अक्खा मसूर बिरयानी बनकर हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना अक्खा मसूर बिरयानी कैसे बनी। अल्लाह हाफिज़।